तो क्या करूँ मैं, वो देखा लो उधर ड्राइवर है वो। हाँ वहाँ तो गया हूँ मैं सच में। क्या अच्छा लास्ट टाइम पता नहीं जा पाएंगे, 0 पॉइंट नहीं जा पाएंगे, देखते हैं। नाइस कैच। आया चलते नीचे देखते। अभी हम जा रहे हैं यमथुंग रिवर, यमथुंग जो पहुंचने के बाद में यहीं पे है ये, और आई थिंक ये नीचे चल कर टेस्टा रिवर बन जाती होगी। और अराउंड का व्यू ऑसम व्यू है यहाँ से। अभी वहाँ जाके कैमरा यूज़ करता हूँ, अभी तो गोप्रो चला रहा हूँ क्योंकि चल रहा हूँ, पिक्चर में शेकिंग आएगी नहीं तो। और ये हमारे पीछे आलम यूट्यूबर, आप देख सकते हो इनके पास कैमरा भी है, फोटो भी है, और ये बहुत अच्छा कैच करते हैं जब कोई इन्हें बर्फ थ्रो करता है बहुत तेज़ी से। अभी वो आपको दिखाता हूँ मैं, देखो मुंह पे कितनी तेज़ी से, ये देखिए कितना अच्छा कैच करते हैं ये। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में पहले आते थे। ऐसे कभी पहले मैं देखता था हॉलीवुड की फिल्मों में। अच्छा ये सारे फूल बन जाएंगे यहाँ पे, ये तो क्योंकि फ्रेश बर्फ है, कली गिरी है ना ये, और धीरे धीरे पिघलेगी ये। एक महीना तो लग जाएगा पिघलने में, 10-15 दिन या फिर शाम तक पिघल लेंगे यार। शाम तक इतनी फास्ट पिघलती है? नहीं यार, उस दिन आया था ना, एक हफ्ता मान के चला लो, फिर कल बर्फ आ जाएगी, पिघलना होता ही है फिर कल। वो डेली आ जाते हैं ना असल में। और वो क्या हाल है वहाँ पे अगर पता हो? वही से मोनास्ट्री है और क्या। अच्छा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ऐसा लग रहा पानी यही है ना। बर्फ है, पानी कहाँ है। मस्त है। ट्रैकिंग के लिए अच्छा है ये। ऑसम पॉइंट फॉर ट्रैकिंग। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग कॉटन पे चल रहे हो। हाँ। फीलिंग ऐसी आ रही बिल्कुल कॉटन वाली, सॉफ्ट सॉफ्ट है बिल्कुल एकदम ये, और होगी 4-5 इंच तो कम से कम। दिस इज ब्यूटीफुल, मस्ट विजिट प्लेस इन इंडिया। फ्रेश स्नो हियर, और भाई चारों तरफ का तो कितना सीनिक व्यू थी, एकदम सीनिक व्यू। खड्डे भी भर दिए बर्फ ने। वो जो बोल रहा था ना वहाँ पे गर्म पानी निकलता है पत्थर के नीचे से, वहाँ पे लोग बात भी करते हैं, करते होंगे। हाँ इवन वो अच्छा होता है नेचुरली जो वाटर निकलता है बीमारियों को। स्किन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो नेचुरली सल्फर वगैरह होती है ना मिक्स्ड, तो बहुत बेनिफिट करती है स्किन को। और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं यमथुंग रिवर पे ट्रैकिंग कर करके। इधर से आलम,
और ये है बर्फीली रिवर, बर्फ का पानी कह सकते हैं पूरे का पूरा है। वो थे व्यू आलम, फोटो लेना उधर से। और यही है मेरे पीछे यमथूम की जो रिवर है, जो बेसिक जो मेनली इसमें जो गिरा है उससे जो बनती है, ऊपर का जो ऊपर भी बहुत इसमें फॉल होता है माउंटेन्स पे, तो उनसे जो बर्फ़ पिघलती है उसी की ये बनती है। और यहाँ पे चारों तरफ का व्यू ऐसा है। अभी हम लोग यहीं पे आए हैं सिक्किम में, ये नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। तो हम लोग अभी तो यहीं है और इससे आगे अगर हम लोग जाते हैं तो फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ज़ीरो पॉइंट पे एक्चुअली। तो ये उससे पहले पड़ता है, यमथांग वैली बोलते हैं इसको। और ये हमारे पीछे यमथांग रिवर है जो कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ा है उससे बनती है। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर और वहाँ पे देखते चल के कि स्नो ज़ीरो पॉइंट के लिए कुछ पॉसिबिलिटी है क्या जाने की। यहाँ पे ये भी होती है पैराग्लाइडिंग। ऊपर कर रहा है कोई, अब ये नहीं पता है कहाँ से हो रही है। ब्यूटीफुल एडवेंचर है ये भी। नीचे आ रहा है बेसिकली, ये काफी तेजी से आ रहा है। I want to be daring, baby, dance the night away, I let my head. एक छोटा सा फ्लाईओवर बना हुआ है, ब्रिज एक्चुअली क्रॉस करने का। अभी देखना पड़ेगा कि डिफेंस वालों का है या फिर जो यहाँ के सिटीजन है सिक्किम के उनका है। Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like... और ये नॉर्थ सिक्किम की यमथांग वैली जहाँ पे हम लोग अभी है। चारों तरफ का जो व्यू है ऑसम है। अभी हम लोग नीचे रिवर पे गए थे ट्रैकिंग करने के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की साइड। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग करी है और वो कुछ उधर है। और भी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट है दुनिया भर के और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। वाओ, you can do better, let me show you what a good time looks like, you can do better. बर्फ यहाँ पे अनलिमिटेड है और ऐसे जैसे कॉटन की तरह पड़ी है यहाँ पे, जैसे कॉटन होता है। ऐसे कुछ पड़ी है, होगी कम से कम 5-6 इंच से ज़्यादा ही। स्लिप के चांसेस बहुत रहते हैं इस पर, इसलिए संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। ऊपर ही ये पार्किंग है और एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे टूरिस्ट आके रुकते हैं। एक तरीके से टूरिस्ट पॉइंट है। ऑसम ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बस चलना बहुत पड़ता है और उसके लिए एनर्जी बहुत लगती है यहाँ पे। दुनिया भर के टूरिस्ट हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद जो उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। Alam tez a tez. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better.
वहाँ से आने में। पाँच मिनट लगे ऊपर पुराने में, लेकिन पसीने पसीने आ गए। ब्यूटीफुल व्यू है बहुत ही। Baby, kick your shoes off. You don't have to hide it. Baby, let your hair down. Be a little wilder. Baby, kick your shoes off. Don't hide it. ये एक्चुअली यहाँ का मेन पार्किंग एरिया है और मेन टूरिस्ट स्पॉट है। जीरो पॉइंट नहीं जा रहे क्या? मेरा तो गेस्ट जाने से तो मिले जाएंगे आप लोग। जा सकते हैं ना आप? जीरो पॉइंट तक। चलो आओ। हाँ चलो। फाइनली ड्राइवर भी रेडी होगा जीरो पॉइंट के लिए। लक्की बर्फ ऊपर गिर रही है पेड़ से। वी आर लकी, वी गॉट अ चांस टू गो जीरो पॉइंट एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू दैट। और अब हम लोग रेडी है जीरो पॉइंट के जाने के लिए, क्योंकि धूप निकल गई है, रास्ता थोड़ा ठीक हो गया और ड्राइवर भी रेडी है वहाँ जाने के लिए। दैट इज़ द ऑसम पॉइंट और एलएसओ के बिल्कुल नज़दीक है, जो इंडिया और चाइना एलओसी है। कुछ चलिए और चल के देखते हैं।